13 नंबर का सवाल है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब पावर में क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही ना हो? हम इसको क्या करेंगे, वाई के बराबर करेंगे। अब देखिए क्या डायरेक्ट अवकलन होगी इसका? नो, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेते हैं हम, सीधे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर। फाइनली अब जैसे दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगी, और ये सर पे वाला आ जाएगा। लॉग लेते सर पे वाला आ गया, सर पे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लॉग लग जाएगा इसमें, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो ये यू इंटू वी पे हो गया, बीच में इंटू ना है, यहाँ से यहाँ हो गया यू और यहाँ से यहाँ हो गया वी, यू इंटू वी पे काम हो गए। अब तो हम दोनों तरफ अवकलन कर सकते हैं ना, अब सीधे लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। शुरू हो जाइए, तो लॉग वाई का कितना होगा, फाइनली 1/y, और फिर वाई का डेरिवेटिव, ये तो आप समझ ही रहे हो। इसको यू टू वी में दूसरा फलन को रखते हैं, लॉग साइन एक्स माइनस, दूसरा फलन को रखे और पहला का अवकलन करते, एक के बार कर लो अवकलन, पहला का अवकलन करेंगे ना, करिए साइन का अवकलन कॉस एक्स माइनस कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये प्लस, दूसरा को रखे पहला का अवकलन हो गई। अब पहले को रखेंगे, पहला क्या हो जाएगा, पहले रखेंगे पहला क्या है भाई, साइन एक्स, एक मिनट थोड़ा सा लिख देते हैं, पहला है साइन एक्स प्लस, सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पहला को रख लिया। दूसरा का अवकलन कीजिए, बताइए दूसरा का अवकलन लेकिन दो बार होगा, याद है ना, क्योंकि चेन रूल है, क्योंकि सबसे पहले तो लॉग एक्स का होगा और फिर अंदर वाले का नहीं होगा, एक बार तो इसका दो बार अवकलन, एक बार लॉग एक्स का और एक बार फिर अंदर वाले का, तो एक बार लॉग एक्स का 1/x, इसका हो जाएगा 1/x और फिर इनटू, और फिर अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाला साइन एक्स का होती है कॉस एक्स, और माइनस है और फिर कॉस का माइनस साइन, तो प्लस नहीं हो जाएगा। ये अभी तक सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स? अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए dy/dx, तो इस dy/dx को रहने दीजिए, अब बाकी ये y को भेजेंगे उधर गुना में, तो बताइए तो y को भेजेंगे तो क्या होगा, y को भेजेंगे, बाकी सबको उतार लीजिए। हाँ कुछ कॉमन हो रही है का, ओ कट भी जाएगा, हमको लग रहा है ये जो है ना टोटल कट जाएगी, और ये है cos प्लस साइन, और इसमें भी cos प्लस साइन है, तो cos प्लस साइन कॉमन हो जाएगी, तो y के साथ साथ एक चीज़ और कॉमन हो जाएगी, cos x प्लस साइन एक्स, जैसे ये कॉमन होगा तो बचा क्या, बचा ऊपर उधर बचा लॉग साइन है, लॉग साइन एक्स माइनस ये बचा, और इधर से क्या बचा प्लस वन। अब आपको अगला स्टेप में सिर्फ वाई का मान बैठा लेना है, आपकी काम हो जाएगा। वाई का मान कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर इनटू में क्या है मेरे पास, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो इनटू में है ना, और फिर ब्रैकेट के बाद कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस वन, क्या सही है? तो ये रहा आपका सवाल नंबर 13, जल्दी से खाली कीजिए।